आगरा से एक बस को हाईजैक करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। दरअसल आगरा के थाना मलपुरा के न्यू दक्षिणी बाईपास स्थित रायभा टोल प्लाजा के पास कुछ लोगों ने सवारियों से भरी बस को हाईजैक कर लिया। बस में चालक, परिचालक सहित 34 सवारियां थी। बस गुरुग्राम से मध्य प्रदेश के पन्ना जा रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक गाड़ी सवार कुछ लोगों ने तड़के 4 बजे बस का पीछा करके रुकवाया और खुद को फाइनेंस कर्मी बताया। बस को रोकने के बाद उन्होंने इसे अपने कब्जे में ले लिया और इसके बाद बस को लेकर आगे बढ़े। रास्ते में एक ढाबे पर बस को रोका और सभी सवारियों के पैसे वापस करवाए और खाना भी खिलाया। इसके बाद उन्होंने आगरा के इत्मादपुर क्षेत्र में चालक को उतार दिया। चालक ने मलपुरा थाने आकर पुलिस को सूचना दी। बदमाशों ने परिचालक और हेल्पर के मोबाइल फोन भी छीन लिए थे। गुड़गांव से चले थे, ये मैं तो कृष्णा ढाबा है, खाना खाया कुछ चीज़ें पहले, खाना खा के मैं सो गया और ड्राइवर साहब चला के गाड़ी में जाता हूँ, उसके हिसाब देता हूँ उनको। और ये टोल टैक्स है कहीं वहाँ पे? हाँ, टोल टैक्स है। हाँ, वहाँ पे आगे की बात बता रहे। क्या हुआ फिर वहाँ पर? वो गाड़ी वाले ये पहले इनको उतारा, मोबाइल वाले लिए इनका ड्राइवर साहब, मैं सो रहा था, इन ने बताया कि अंदर है स्टाफ, पकड़ के मेरे को खींच के गाड़ी में ले गए। कितने लोग थे वो? वो हमें जो ले गए वो 4 लोग। किस में सवार थे वो? वो एक गाड़ी थी ना। क्या हथियार थे उनके पास? हथियार थे? नहीं, हथियार हमें नहीं दिखे। मुंह खुले थे, बंद थे? मास्क लगाए थे, मास्क सब लगाए। क्या कह रहे थे आपस में, क्या बातें कर रहे थे? आपस में ये कह रहे थे कि हम फाइनेंस वाले हैं, 8 किस्त हमारी बाकी है इस गाड़ी की, और फोन लगाते हैं तो सीट देता, फोन नहीं उठाता, कहीं किसी को पढ़ा देता, कहीं किसी को पढ़ा देता। पर कहाँ ले गए थे वो लोग आपको? हमको, अब मेरे को आगरा की ज़्यादा जानकारी नहीं है, इस साइड कहीं पर ले गए रहे काफ़ी देर लग दिया। जो सवारी थी बस थी, उन्हें कहाँ ले गए कुछ जानकारी? वो हम वहीं खड़ी किए रहे, एक गाड़ी और दो थी उनकी, एक गाड़ी और बस नहीं, एक गाड़ी और थी। हाँ, दो गाड़ी रही। गाड़ी कौन सी है? अब उसका नंबर नहीं है, इसका नंबर है हमारे पास। कौन सी वाली गाड़ी का नंबर है आपके पास? DL12 AC 2286। आपके साथ और कौन कौन? हम 3 जने थे ना। आपका नाम? राम विशाल पटेल। राम विशाल पटेल। पिताजी? श्री तेजा पटेल। निवासी? आपने थाना मलपुरा सूचना कब दी? फिर हम गए वो उसमें एक बालाजी ट्रेवल से जा, मतलब आगरा में। हाँ। और एक कोई और नाम के हैं, उनके यहाँ गए हम, उनका सवारी वाली भेजी, कैसा क्या हुआ गाड़ी वाली बोली, यहाँ से कुछ नहीं हुआ। फिर हम एक जगह और भी कोई थाना है यहाँ पे गए, तो उन्हें यहाँ भेज दिया, उन्हें यहाँ चले। और दूसरे साथी का नाम क्या है? भूरा। भूरा क्या करते हैं? भूरा हेल्पर ही करते। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार बदमाश दो कार में सवार थे, एक जायलो कार थी जिसका नंबर DL12 AC 2286 बताया गया है और दूसरी कार के बारे में जानकारी नहीं है। सभी बदमाश मास्क लगाए हुए थे। बस ग्वालियर में कल्पना ट्रेवल्स की है। ट्रेवल्स के मालिक पवन अरोड़ा है। बस का रंग पीला है और कई जगह कल्पना लिखा हुआ है। घटना की जानकारी के बाद पुलिस में हड़कंप मच गया। बस हाईजैक करने वाले बदमाशों की तलाश की जा रही है। पूरे जिले में पुलिस को अलर्ट कर दिया गया। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में थाना मलपुरा में मुकदमा दर्ज कर लिया है और जल्द ही खुलासे की बात कह रही है। हालांकि आगरा पुलिस के आला अधिकारियों की ओर से दावा किया जा रहा है कि प्रथम दृष्टया मामला बस किस्त न जमा होने पर फाइनेंस कंपनी के लोगों द्वारा ये कार्य किया गया प्रतीत होता है। देखिए, आज सुबह करीब 6:30 बजे के आसपास 3 व्यक्ति जो ग्वालियर के रहने वाले हैं, उन्होंने आकर ये सूचना दी है कि एक बस जो गुड़गांव से पन्ना के लिए वो लोग लेकर जा रहे थे, उसे कल रात्रि में तकरीबन 9:30 बजे के आसपास रायभा टोल क्रॉस करने के बाद दक्षिणी बाईपास पे कुछ लोगों ने उसको ओवरटेक किया
और इन तीनों ड्राइवर और कंडक्टरों को अपनी गाड़ी में रख लिया और गाड़ी को ले गए। उस दौरान उसने जो गाड़ी में अभियुक्त थे, लोगों ने कहा कि ये गाड़ी का जो मालिक है वो अपनी किस्तें नहीं जमा कर रहा, इसलिए हम लोग जो फाइनेंस एजेंसी के लोग हैं और इस गाड़ी को अपने कब्जे में ले रहे हैं। साथ ही साथ जो लोग हैं, क्योंकि उस गाड़ी में 34 लोग थे जो छतरपुर, पन्ना और मोरानीपुर के यात्री थे, हमारी टीमें लग गई हैं, हम इसको डायग्नोस करने, इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रथम दृष्टिया बातचीत से और सभी चीज़ों की जानकारी से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो ये ट्रेवल एजेंसी थी कल्पना ट्रेवल्स करके, जो ग्वालियर के व्यक्ति हैं, वो उनकी काफ़ी जो है कर्ज में थे, उनकी किस्तें टूटी हुई थी। प्रथम दृष्टिया फाइनेंस कंपनी के लोगों के द्वारा उसे कब्जे में लिए जाने की बात प्रतीत हो रही है, लेकिन चूंकि उसमें 34 यात्री भी थे इसलिए ये मुद्दा संवेदनशील है। हमने पूरे ज़िले में टीमें लगा दी हैं, आसपास के जनपदों से के पुलिस अधीक्षक से हमारी बातचीत हो गई है, जिसमें हम इस गाड़ी को आइडेंटिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ चूंकि उसमें यात्री हैं जिनके पास मोबाइल फ़ोन है, अगर कोई ऐसी बात पैनिक बात होती तो शायद उनके कॉल्स भी आते, लेकिन फिर भी हम उन सभी लोगों को पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कहाँ हैं, साथ ही साथ वो गाड़ी किस व्यक्ति के द्वारा या किस कंपनी के द्वारा, यूनिट के द्वारा ली गई है, वो पूरी जानकारी दी जाए। साथ ही पुलिस अधिकारी दावा कर रहे हैं कि आगरा के आसपास के जनपदों के कप्तानों को भी मामले से अवगत करा दिया गया है और जल्द पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। हमारी खबर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आगरा से टाइम 24 न्यूज के लिए ब्रिज भूषण की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।